ভিস্তা রোম নিয়ে যাত্রা শুরু। টয় ট্রেনের সাথে জুড়ল এসি কোচ ও সুস্বাদু খাবারের রেস্তোরাঁ। পুজোর আগে পর্যটকদের জন্য খুশির খবর নিয়ে এলো দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে বা বিএইচআর। আজ সোমবার নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করলো অত্যাধুনিক এসি ভিস্তা রোম কোচ, সেই সাথে রয়েছে এসি রেস্তোরাঁর কোচ। সোমবার সবুজ পতাকা দেখিয়ে এর যাত্রা শুরু করলো দার্জিলিং এর সাংসদ রাজু ভিস্তা। এছাড়াও এদিন উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জয়ন বার্লা, জলপাইগুড়ি সাংসদ ডক্টর জয়ন্ত রায়, বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ সুকান্ত মজুমদার সহ রেলের উচ্চ পদস্থ কর্তারা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার আনশুল গুপ্তা, কাটিহার ডিভিশনের ডিআর এম এস কে চৌধুরী সহ রেলের কর্তারা। সপ্তাহে তিন দিন পাওয়া যাবে রেলের এই পরিষেবা। इसके साथ में ये पहली ट्रेन है इस तरह की, और भी कई हम इम्पोर्टेंट पैसेंजर ट्रेन और सब फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं। इसका मॉडर्नाइजेशन का वर्ल्ड क्लास स्टेशन एनजेपी है, सिलीगुड़ी को इम्प्रूव करना है, दार्जिलिंग को सियोंग, ये सब लोग हम लोग एक एक करके करेंगे जिससे टूरिज्म का बढ़ावा हो और यहाँ के लोगों को नए नए एम्प्लॉयमेंट के साधन मिले। मैं सभी गणमान्य सांसदों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज एक बहुत ही हिस्टोरिक पल है जब हम लोगों को यहाँ के कहना चाहिए जो काफी प्रमुख चेहरे हैं, यहाँ के जो सांसद हो वो हमारे बीच में है और उनके सानिध्य में ये एक एनएफ रेलवे की डीएचआर के लिए एक जो नई पहल है, एक एसी पैसेंजर ट्रेन विस्तार डोम के साथ में हम शुरुआत कर रहे हैं। एनएफ रेलवे के कई ऐसे प्रयास और प्रयोग जारी हैं जिससे न सिर्फ यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करी जाए बल्कि कैसे नई ट्रेनों का आवागमन हम लोग और अच्छे ढंग से कर पाए। उसी श्रेणी में, उसी श्रृंखला में ये नई पैसेंजर ट्रेन जिसमें विस्टाडोम और एक एसी डाइनिंग चेयर कार भी है, उसको हम आज सभी सांसदों के कमलों से इसका फ्लैग ऑफ करेंगे। और भी कई ऐसी परियोजनाएं हैं, खासतौर से हम बीएचआर की बात करते हैं जिससे ना सिर्फ हम जो हमारा एक भारतवर्ष का एक गौरव है बीएचआर सेक्शन, यूनेस्को रेटेड जो ये हमारी एक शान है उसमें हम लोगों का ना सिर्फ दार्जिलिंग और कुर्सियोंग स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाना और जिस स्टेशन पर आप खड़े यहाँ हम लोग बैठ रहे हैं इसको भी वर्ल्ड क्लास, आई थिंक ये भारतवर्ष का ये प्रमुख कहना चाहिए जो 15 वर्ल्ड क्लास स्टेशन जो बनने वाले हैं शुरू में उसमें इसका नाम शामिल हो चुका है, इसका टेंडर भी हो चुका है और ये कार बहुत तेजी से युद्ध स्तर पर चल रहा है। सिलीगुड़ी को भी हम लोग एक हेरिटेज स्टेशन के दर्जे के साथ में कैसे उसका अपग्रेडेशन करें वो कार्य भी हम लोग शुरू करने वाले